हेलो बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कटाप को लेकर के बहुत चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं और बहुत सारे व्यूज लोगों के आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे एनालिसिस सामने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी एनालिसिस करता हूं। हमारे एक्सपर्ट्स निशीत सर जो कई फैक्टर्स पर उसको एनालाइज किए हैं और वो आपसे कुछ बात करेंगे और आपको ये बताएंगे। मैं पहले सबसे पहले नीतीश सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर क्या फैक्टर्स रहेंगे जिन पर टीजीटी 2020 का ये कट ऑफ निर्भर करेगा, क्योंकि आप जानते हैं फाइनल एग्जाम एक ही हुआ है और वही लास्ट एग्जाम आपका भाग्य विधाता बनेगा और इसके अलावा कोई इंटरव्यू उसमें नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि क्या कट ऑफ रहने की संभावना है? निशीत सर, प्यारे साथियों, टीजीटी की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और टीजीटी की परीक्षाओं के लिए आप सभी प्रयासरत हैं, तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कट ऑफ के मामले में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी विषय की जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ सीट। अगर किसी विषय में बहुत अधिक सीट है तो जाहिर सी बात है उसका कट ऑफ अन्य विषयों की अपेक्षा थोड़ा सा निम्न रहता है। अगर किसी विषय में कम सीट है तो उसका कट ऑफ ऊंचा रहता है। सदैव यहां पर हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें बहुत सी सीट है, तकरीबन 1500 के आसपास कुल सीट। दूसरा जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे आता है जो कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आवेदक जहां तक मेरे पास जो संख्या है 78,546 कैंडिडेट्स ने टीजीटी में आवेदन जो है किया और इस आधार पे अगर देखा जाए तो तकरीबन एक सीट पर 44 कैंडिडेट की पाइप देखी जा रही है। एक बात और ध्यान देने लायक है, आप सभी जान लीजिए कि कंपटीशन देने वाले में एक 80-20 थ्योरी चलती है। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो ये सीनियर्स लोग बताते हैं कि 80-20 थ्योरी, 80 मेहनत है आपकी। हाँ, तो 80-20 थ्योरी क्या है पहले उसको आप समझ लीजिए कि 20% कैंडिडेट ऐसा होता है जो 80% परीक्षा को स्कोर करने की क्षमता रखता है और 80% कैंडिडेट हर परीक्षा में ऐसा होता जी, है बिल्कुल, बिल्कुल, जो केवल 20% ही स्कोर करता है। ये असली चीज है, ये हर परीक्षा में है, इवन सिविल सर्विस और किसी भी एग्जाम में सारे कैंडिडेट से कंपटीशन नहीं है आपका। तो आप सीधे ये मानिए कि आप 20% कैंडिडेट में है क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे, आप मार्क्स टेस्ट और भी पढ़ाई जो भी कर रहे थे। तो 20% कैंडिडेट में अगर देखा जाए तो ये बहुत कम रह जाएगा। लेकिन फिर बात वही आती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, पेपर भी हार्ड था, पेपर की हार्डनेस के बारे में ये बात किसी से छिपी नहीं है, आप लोग अन्य स्रोतों से भी जानकारियां थोड़ी बहुत मिल रही होंगी कि पेपर का जो स्तर था वो कहीं से भी सरल उसे नहीं कहा जा सकता। भाई एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, अभी जेडी सर से मेरी बात हो रही थी, जेडी सर जी, जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, उनका पिछली बार 110 आया था टीजीटी में जी, जी, और कोई और त्रुटि थी इसलिए उनका नहीं हुआ था और इस बार उनका 89 आया है। तो जो बंदा 2016 का कठिन पेपर 110 किया था जी, 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 वो 89 इस बार स्कोर किया है। तो ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कुछ हुआ है। तो क्योंकि कठिन जो कठिनाई स्तर है, जो कठिन स्तर जिसको हम कहेंगे, तो वो सभी के लिए फिर हो जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में हमें मान लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत अधिक जाने की संभावना नहीं। तो इस बात से आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं कि जो अन्य माध्यम या दूसरे चैनल, या मैं नाम नहीं लूंगा, कोई कह रहा है कि 100 के ऊपर है, कोई कह रहा है 110 के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 और 110 के ऊपर शायद कैंडिडेट तो बीनने लायक ही मिलेंगे जो बड़े भाग्य से या किसी तरह से उनके अंक उनको प्राप्त हुए। इतना जो है कट ऑफ जा पाना इसका संभव नहीं है मूलतः। उसके अलावा मैं मान लूं कोई जो कट ऑफ है कि सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट ने या सबसे ज्यादा स्कोर कितना हुआ है, सबसे कम स्कोर कितना हुआ,
तो अभी तक इंग्लिश के स्कोर के बारे में अगर हम बात करें तो जहां तक मुझे जो जानकारी है कि 110 तक मुझे सुनाई पड़ा है कि किसी कैंडिडेट ने हाँ एक बच्चा है अपना सौरभ प्राप्त किया है उन्नाव का सौरभ, और जो 90 के नीचे 90 और 80 जितना भी स्ट्रगलिंग कैंडिडेट है लगभग लगभग उनकी जो संख्या है वो 90 से 80 के बीच सबसे ज्यादा संख्या, और 90 के ऊपर जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे करके घट रही है, और 100 तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत कम रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा अनुमान है, हालांकि अनुमान ही है, ठीक अंतिम निर्णय तो आयोग का होता है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि जो कट ऑफ है वो तकरीबन 85 से 90 के बीच, जो सामान्य जनरल की, हाँ जनरल की एक आध अंक दाहिने बाएं हो सकती है, लेकिन लगभग इतनी कट ऑफ जो है रहनी चाहिए, और हो न हो नीचे भी चली जाए तो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी इससे ऊपर नहीं, 90 के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं इम्पॉसिबल है, या मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि वो मैं आयोग में तो हूं नहीं, लेकिन लगभग 85 जो आंकड़ा है, जो डाटा है, जो आप लोगों की परफॉर्मेंस है, अन्य भी जो स्रोत हैं उनके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 85 से 90 के बीच रहेगी। अब इसके बाद एक फैक्टर और भी आता है यहां पे, जो जिसके बारे में आप सबको जानना जरूरी है कि वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी हो न हो मैं बता दूं कि 20% कैंडिडेट कुल सीटों के, 1500 हैं तो 1530 यानी तकरीबन 300 कैंडिडेट की सूची जो है वो वेटिंग लिस्ट के रूप में जारी की जाएगी। वो इसलिए कि अगर कोई कैंडिडेट संबंधित श्रेणी से ज्वाइन नहीं करता है तो उसमें नीचे वाले को मौका जो है ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा, 20% निकाली जाती है 20%। तो एक ये है चांस कि अगर कोई भी कैंडिडेट मान लो मुख्य सूची एक आध नंबर से रह गए, एक आध नंबर या एक आध पॉइंट से रह गए हैं आप और आप वेटिंग में पहुंच गए, तो भी आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको नियुक्ति मिलेगी। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात है, तो ये आप मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का प्रावधान पहली बार हुआ है, लगभग जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते थे उन्होंने अपना प्रमाण पत्र लगाया होगा। ऐसी स्थिति में यह है कि जो सामान्य की सीटें, जो कैंडिडेट सामान्य सीट पर उसका चयन हो जाएगा, तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो सामान्य कैंडिडेट माना जाएगा। उसके नीचे के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को ईडब्ल्यूएस की चयन वरीयता के क्रम में उनको सेट किया जाएगा। तो वहां पर भी आप मान लीजिए क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी सामान्य के ठीक नीचे बनेगी, तो यहां पर भी एक मोटा अनुमान है तकरीबन 3 से 4 अंक नीचे जो मेरिट है वो हो जाएगी ईडब्ल्यूएस की सामान्य से 3-4 नंबर कम रहेंगे जो वर्तमान डाटा है उसके आधार पर। जी जी जी। अब एक अंक पे कितने कैंडिडेट हैं इस आधार पर डिपेंड करता है कि भाई मान लो एक अंक पे 10 ही कैंडिडेट या 20 ही कैंडिडेट मिले, हाँ हाँ तो ये हो जाएगा शेष। ये आप मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जो खाली, अगर उसने ये सोच रखा हो कि मैंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया है मेरा चयन हो जाएगा, ऐसा जो तैयारी नहीं किया, या लोग कुछ लोग आपको भी जानकारी होगी कि लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि तैयारी नहीं किया, कहीं ये प्रमाण पत्र लगा दीजिए और हो सकता है इसमें आरक्षण हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चयन सूची जो सामान है उसी के ठीक नीचे ईडब्ल्यूएस की सूची बनेगी, और उस ईडब्ल्यूएस सूची में 3 से 4 अंक का जो वेरिएशन होगा और उसके आधार पे नीचे वालों को जो उसमें जो लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के बाद अन्य जो श्रेणियां हैं ओबीसी है एससी है या फ्रीडम फाइटर है जो भी है, तो कुल मिला के फिर भी आपको धैर्य नहीं खोना है। कुल मिला के बात यह है इतना सब होने के बाद अगर मैं मान लेता हूं दुर्भाग्य से कहीं एक पॉइंट से या किसी से भी आपका चयन रुक जाता है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी असहज नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तत्काल नई भर्ती आ रही है एलटी ग्रेड जीआईसी की, और 27,000 भर्ती जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी घोषणा की गई है, आप बिना देर किए तत्काल उसको तैयारी उसकी आप शुरू करें, और सर का सहयोग आशीर्वाद रहेगा, हमारा भी जो भी गाइडेंस जो हम पे हो सकेगा वो हम करेंगे।
और बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं, बिना रुके बिना थके चलते रहना है, और निश्चित रूप से आपको इसी 2021 में सफलता प्राप्त होगी। तो सर, ये जनरल से ओबीसी के बीच में कितना डिफरेंस लगभग? जनरल से ओबीसी के बीच में कई विषयों में तो ये होता है करीब 1 से 2 अंक का ही डिफरेंस रहता है, कई बार 3 से 4 अंक का, 3-4 से ज्यादा का नहीं रहता है, बस अधिकतम मान लीजिए 3 से 4 अंक का रहता है, कितना आप समझ। अच्छा, ओबीसी और जनरल के बीच? यही ओबीसी और जनरल के बीच में ही तकरीबन, जैसे अगर नहीं एससी और जनरल, एससी और जनरल के बीच में 6-7 अंक का लगभग, 6-7 अंक का लगभग डिफरेंस। मतलब ये मान के चले कि 80+ जो है एससी कैंडिडेट वो अपने आप को सेलेक्ट, हाँ एससी मान के चले कि अभी बिल्कुल 80+ जितने भी एससी कैंडिडेट हैं, हाँ वो सेलेक्ट मान और ओबीसी कैंडिडेट है वो होपफुल रहे, वो होपफुल बिल्कुल होपफुल रहे, उनको निराश नहीं होना है, निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि आंसर की जो आई है अगर उसमें किसी प्रश्न में शंका है, आपको लगता है कि हमने सही किया है, तो 13 तारीख लास्ट डेट है उसका, जो निश्चित फॉर्मेट है वेबसाइट पर दिया हुआ है उस पर अपनी जो प्रूफ है ये हमारा उत्तर सही, उसको लिखकर आप भेजें। ये काम आज से कल तक हर हाल में कर दें ताकि आयोग इस पर जल्दी निर्णय ले। आंसर किसी जो मैच नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन आपको पता है ये सही है, आपको लग रहा है कि हमने सही पढ़ा है जी जी। और हमारा गलत कर दिया गया है, तो आप प्रूफ भेजिए, तो आपका या तो सही किया जाएगा, और अगर वास्तव में विवाद होगा एक से अधिक प्रश्न उसमें सही होंगे उसमें ऑप्शन उसके, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा तो उस प्रश्न को तत्काल डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये होकर फिर रिवाइज आंसर की जारी होगी, तो इसलिए अभी निराश नहीं होना है कि आज आंसर किया ये आज देख लिया और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी ये बदलाव होगा और फाइनल रिजल्ट जारी होगा और तब आप देखिए तभी आप। सर, ये कब तक संभावना है रिजल्ट आने की? रिजल्ट की संभावना अति शीघ्र, सितंबर माह में रिजल्ट जारी हो जाएगा, सितंबर 15 सितंबर तक मान के चले लगभग, बहुत शीघ्र, क्योंकि आयोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है ना, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो आंसर की आपकी जारी हुई है मेरे मतलब प्रतियोगी परीक्षा वाले काल में, पहली बार ऐसा हुआ है किसी परीक्षा के आंसर की इतनी सीधे जारी हो गई। जी जी जी, क्या संभावना है सर टीजीटी पीजीटी वैकेंसी पहले आएगी अब आने वाले समय में? या आने वाले समय में वैकेंसी जो एलटी ग्रेड की है वो पहले, क्योंकि उसका प्रस्ताव पहुंच चुका है वो पहले वैकेंसी आएगी, और शेष जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 27,000 वैकेंसी वो जस्ट उसके, ये सर लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती है? लोक सेवा द्वारा कराई जाएगी, और 9,000 के करीब वैकेंसी अच्छी है, और इसके लिए आप लोग जुट जाएं, और दूसरा ये राज्य कर्मचारी भी इसमें आप माने जाएंगे जी। तो बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हम अपना पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं तो वो इसमें प्रयास करें और निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत सुंदर जानकारी दिया आपने, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर, आगे भी आप हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे हमारे बच्चों का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे निशीथ सर, और आप सभी को मैं उनके समक्ष लाया। ये पानी बरस रहा है विद्यालय में, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और बड़ा सुंदर वातावरण है आज का, ठीक है, पानी बरसात हो रही है, सन्नाटा है चारों तरफ। तो मिलता हूँ शाम की क्लास में, 5:30 बजे क्लास है, और तब तक आप मजे लेते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।